नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 के मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 वीडियो। और इस वीडियो में मैं हल करने जा रहा हूं प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक। प्रश्न संख्या 41, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो आइए चलते हैं, इसका मान निकालते हैं। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 15 गुना 15, यानी 225। और फिर 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 325। तो ये वाला हमारा डी नंबर आंसर सही है। अब प्रश्न संख्या 42, क्यूबिक रूट ऑफ 1000, 1000 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे हम लोग निकालते हैं, मैं फिर से एक बार इसे रिवाइज कर दे रहा हूं। ये 1000 का घनमूल हमें निकालना है। तो 1000 का आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो हम 1000 को लिख सकते हैं ऐसे, 10 गुना 10 गुना 10। तो आप देख रहे हैं कि यहां 10 गुना 10 गुना 10, 10 तीन बार आया है, तो ये त्रिक बन जा रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। तो ये जो क्यूबिक रूट है और ये क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जा रहा है 10। तो 42 नंबर का ए नंबर हमारा सही है। अब है प्रश्न संख्या 43, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो ये ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है, तो थोड़ा ग्राफ की जानकारी ले लें हम लोग। ये है हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। और ये है एक्स अक्ष। तो ये जो बिंदु है ये शून्य होगा, एक्स में भी शून्य होगा और वाई में भी शून्य होगा, ठीक है। फिर इधर हम बढ़ते हैं एक्स इस अक्ष में, तो 1 2 3 इस तरह से जाएगा। फिर इधर हम आएंगे तो इधर -1 -2 -3 ऐसा आएगा। वाई में भी ऊपर की ओर ये 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4। तो ये जो बिंदु है यही मूल बिंदु कहलाता है, जो कटान बिंदु है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो ये कटान बिंदु है ये मूल बिंदु है। और इसे हम लिखते हैं इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर 0 कॉमा 0, है ना, ये मूल बिंदु है। अब प्रश्न संख्या 44 देखिए, निर्देशांक 4 -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, ठीक है ना। तो ये 4 जो है एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स अक्ष पर ये वाला 4 होगा, और -5 यहां पर ले लेते हैं, -5। तो ये वाला जो बिंदु है ये कहां पर होगा, ये 4 से हम ऐसे चलेंगे, ऐसे 5 से ऐसे चलेंगे, ये रेखा, तो ये वाला कटान बिंदु हो रहा है ये। तो ये बिंदु है 4 -5, ये है। अब ये चतुर्थांश क्या होता है, देखिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये पूरा ग्राफ 4 भाग में बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं हम प्रथम,
चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा द्वितीय, ये होगा तृतीय और ये होगा चतुर्थ, है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप देखिए कि ये जो बिंदु है हमारा है 4-5, ये किस में आ रहा है, ये चतुर्थ में आ रहा है। अब 45 नंबर आप गौर कीजिए, बिंदु ए का एक्स निर्देशांक कौन सा है। तो ये जो हम लिखते हैं पहला जो होता है ये एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक, और दूसरा जो होता है ये होता है वाई निर्देशांक, है ना। तो यहां पूछा जा रहा है एक्स निर्देशांक कौन सा है, तो ये ऑब्वियसली 5 है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, यह वाई निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो अभी हमने कहा यह पहला वाला एक्स निर्देशांक होता है और यह दूसरा वाला वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक यहां -5 है। प्रश्न संख्या 47, बिंदु सी 3-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो यह देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया गया है इसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु से कोई भी बिंदु हो, इसका कोई मायने नहीं है कि ये निर्देशांक क्या है, कोई भी निर्देशांक हो, कोई भी बिंदु होता है तो उससे अनंत रेखाएं, एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो ये डी नंबर हमारा आंसर होगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो एक पासा जो होता है, पासा आप जानते हैं जो लूडो में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और उस 6 फलक में क्या क्या लिखा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब हम पासा को फेंकते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है, ये 6 में से कोई भी हो सकता है, तो ये परिणाम 6 होगा। और यही अगर हम पासा की जगह सिक्का कहें तो वहां परिणाम 2 होगा। आप देखेंगे कि अगर हम यहां पर सिक्का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें चित और पट ही आता है सिर्फ। तो पासे की स्थिति में हमारा परिणाम 6 होगा। प्रश्न संख्या 49, जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो पासे में मैं फिर से दोहरा हूं कि क्या क्या होता है 6 फलक में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कुल विषम संख्या कितनी है, 3, और ये कुल संख्याएं कितनी है, 6। तो प्रायिकता यही होता है, विषम संख्याओं का प्रायिकता जो होगा वो होगा 3/6 यानी 1/2। तो ये बी नंबर। प्रश्न संख्या 50, एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो प्रायिकता है लाल गेंद प्राप्त करने की, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितनी लाल गेंद है, 4, और कुल गेंद कितनी है, 7। तो इसी तरह से हम प्रायिकता निकालते हैं, ये कुल परिणाम हो गया और ये घटना हो गया, है ना। तो ये 4/7। तो इस पार्ट 5 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को
हल किया है। इसे आप खुद से फिर से रिवाइज करेंगे तो हमें पूरी आशा है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको इससे काफी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।